कल का बेसिक ट्रेड प्रैक्टिस में हम लोग 10 क्वेश्चन किए थे। आज का क्लास में 10 क्वेश्चन करेंगे जो कि 11 से 20 तक होगी। चलो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, विद्युत स्टोव संचालित के लिए आवृत्ति होती है। देखिए कल भी चर्चा किए थे कि एसी करंट जितना भी होगा वो 50 हर्ट्स का होगा और डीसी करंट जितना भी होता है वो 0 हर्ट्स का होता है। तो विद्युत स्टोव मतलब हीटर की बात हो रही है, तो हीटर एसी पर काम करता है, तो यानी हमेशा इसका फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्स होगा, यानी कि आंसर हमारा क्या होगा, सी होगा। क्वेश्चन नंबर 12, 500 KVA है ना तक आउटपुट ट्रांसफार्मर को क्या कहा जाता है ना। देखिए एक हो गया बरिस्टर ट्रांसफार्मर। बरिस्टर ट्रांसफार्मर जो है बहुत छोटा होता है, यह रेडियो टीवी वगैरह में इसका प्रयोग होता है। यह जो है रेजिस्टेंस वेरिएशन के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। दूसरा है डीमर स्टेट ट्रांसफार्मर, यह वोल्टेज रेगुलेशन के लिए प्रयोग किया जाता है। और स्टेप अप ट्रांसफार्मर, यह जो है आपका वोल्टेज को बढ़ाने के लिए प्रयोग किया जाता है। 500 KVA को वितरण ट्रांसफार्मर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए प्रयोग किया जाता है। तो याद रखिएगा 500 KVA तक का जो भी प्रयोग करेंगे हम लोग किसके लिए करते हैं, वितरण के लिए करते हैं। आंसर हमारा क्या होगा, डी होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13, ऑटोमेटिक विद्युत स्तरी के ताप नियंत्रण को क्या कहा जाता है। देखिए प्रेशर प्लेट बिल्कुल नहीं, थर्मो प्लेट बिल्कुल नहीं, विद्युत प्लेट बिल्कुल नहीं, बल्कि आंसर होगा डी, इनमें से कोई नहीं। तो आपको जानना होगा कि ऑटोमेटिक विद्युत हीटर जो होता है या आयरन होता है जिसको स्तरी कहते हैं, इसमें थर्मोस्टेट लगा होता है। क्या होता है, थर्मोस्टेट लगा होता है। याद रखिए जितना भी इलेक्ट्रिसिटी टेम्परेचर ऑटोमेटिक कंट्रोलर होता है उसमें सब क्या लगा होता है, थर्मोस्टेट होता है जो द्विधात्विक प्लेट का बना होता है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा, आप मीटर को श्रेणी पथ में स्थापित करने के लिए उसका प्रतिरोध क्या होना चाहिए। किसी भी इंस्ट्रूमेंट को श्रेणी पथ में जोड़ना होता है तो उसका प्रतिरोध हमेशा क्या होगा, निम्न होगा, तब तो करंट का प्रवाह होगा, यानी आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15, अत्यधिक ऊर्जा बंद रिक्ति मतलब हाई एनर्जी गैप है ना, तो ये जो है वाले पदार्थ जो होंगे उसका प्रतिरोध नापने के लिए किसका प्रयोग करेंगे। याद रखिएगा जिसका एनर्जी गैप बहुत ज्यादा होता है, समझ गए, वो जो है कुचालक होता है। अब कुचालक का रेजिस्टेंस नापने के लिए हम लोग प्रयोग किसका करते हैं, मैगर का प्रयोग करते हैं। ओम मीटर का प्रयोग हल्के फुल्के यानी चालक पदार्थों का रेजिस्टेंस नापने के लिए, वोल्ट मीटर का प्रयोग करेंगे हम लोग वोल्टेज नापने के लिए, और आम मीटर का प्रयोग करते हैं धारा मापने के लिए। आप मेगर का जो उपयोग है हाई रेजिस्टेंस मापने के लिए करते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा डी, मेगर। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, किसी उच्च विद्युत अप्लायंस के लिए मतलब बहुत बड़े मशीन जो होगा इलेक्ट्रिसिटी चलने वाला के लिए एक मजबूत अर्थ की आवश्यकता होती है जिसके लिए निम्न में कौन सा कथन सत्य होगा। अर्थ सरफेस अधिक होना चाहिए, अर्थ एक्स अर्थ सरफेस का आयतन अधिक होना चाहिए, अर्थ सरफेस की गहराई अधिक होना चाहिए, अर्थ सरफेस में नमी होना चाहिए। देखिए अर्थ सरफेस में अर्थिंग के लिए जो है सरफेस का एरिया पर डिपेंड करता है, जितना ज्यादा इसका सरफेस एरिया होगा उतना ही अर्थिंग क्या होगा, मजबूत होगा, यानी आंसर क्या हो जाएगा, हमारा ए हो जाएगा। इस फिगर में देखिए ये अर्थिंग के लिए हॉल बनाया गया है, तो ये हॉल में जो है से चारकोल भराएगा, साल्ट वगैरह भराएगा, और ये जो हमारा अर्थिंग रॉड हो गया देख रहे नहीं वाला, और यहाँ पर जो है से ये इंजीनियरिंग डायग्राम बनाया गया इसके लिए अर्थिंग के लिए।
तो ये देखो, ये जो पाइप देख रहे अर्थिंग पाइप ये वाला, अर्थिंग रड वाला जो कहिए, इसका जितने ज्यादा एरिया होगा, जितने सरफेस ज्यादा होगा, उतना ही अर्थिंग क्या होगा, मजबूत होगा। तो याद रखिएगा, अच्छा अर्थिंग के लिए अर्थिंग सरफेस बहुत हाई होना चाहिए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। ट्रांसफार्मर निम्न में किस सिद्धांत पर काम करती है? याद रखिए बाबू, ट्रांसफार्मर हमेशा जो है एसी के सिद्धांत पर काम करता है। एसी ट्रांसफार्मर में कभी डीसी करंट का प्रयोग नहीं करिएगा, ट्रांसफार्मर को आग जला देगा, क्योंकि डीसी में इंडक्शन नहीं होता है और ट्रांसफार्मर जो है इंडक्शन पर काम करता है। इंडक्शन का मतलब होता है प्रेरण। तो ट्रांसफार्मर हमेशा किस पर काम करता है जी? एसी पर। आंसर क्या हो जाएगा? बिहार हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। कठोर तारों काटने के लिए किस प्रकार की प्लायर्स का आवश्यकता पड़ती है? देखिए, लॉकिंग प्लायर, देखिए यह जो है लॉकिंग प्लायर है, लॉक करने वाला है। जितना पर आपको सेट करना सेट कर दीजिए। देखिए यहाँ पर जो है ना, इसका लॉक करने का सिस्टम दिया गया है। फिर है वायर स्ट्रिपर, वायर स्ट्रिपर जो है एक प्रकार तार छीलने का इंस्ट्रूमेंट है, प्लायर्स है। अगला हो गया आपका लंबी नोक वाला प्लायर, देखिए ये है लंबी नोक वाला, इसका देखिए नोज जो है बहुत लंबा है ना, इसमें जो है लॉक खोलने के लिए काम आता है। अगला है डायगोनल बिकर्णी प्लायर, इसी बिकर्णी को अंग्रेजी में डायगोनल प्लायर कहा जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? डी हो जाएगा। याद रखिएगा, तार को काटने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? बिकर्णी प्लायर का। किसका प्रयोग करते हैं? बिकर्णी प्लायर का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। निम्न में कैसे किसे फैराडे में मापा जाता है? फैराडे में नापते हैं विद्युत धारिता को, विद्युत धारिता, इलेक्ट्रिसिटी कैपिटेंस, कैपेसिटेंस, इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटेंस को नापते हैं किसमें? फैराडे में नापते हैं, है ना। खास करके प्रचलित मात्रक है माइक्रो फैराडे। माइक्रो फैराडे का मतलब हो गया 10^-6 फैराडे। आवेश को नापते हैं कूलाम्ब से, विद्युत वोल्टता को नापते हैं वोल्ट में, प्रतिरोध को नापते हैं ओम में। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। निम्न में कौन सा कथन डीसी सर्किट के लिए आवश्यक होगा, है ना। देखिए डीसी में ऑप्शन ए पढ़ते हैं, इसमें प्रतिरोध नहीं होता है, बिल्कुल गलत है। ऑप्शन ए गलत है, क्योंकि डीसी में भी प्रतिरोध होता है, ऊष्मा उत्पन्न नहीं करता, यह भी कथन गलत है। डीसी ऊष्मा भी उत्पन्न कर सकता है। सी इंडक्शन नहीं होता है, बिल्कुल सही कथन है। डीसी करंट में इंडक्शन यानी प्रेरण नहीं होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ऑप्शन डी देखो, दिशा नहीं होती, बिल्कुल होती है, यह भी दिशा होती है, यानी कथन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। और दिशा कैसा होता है याद रखिएगा, इसमें दिशा जो है नियत होता है डीसी में। क्लियर हो गया। अब हम लोग अगले क्लास में 10 क्वेश्चन फिर करेंगे।